जानिए कैसी है चेन्नई के बीच गेंदबाज या फिर बल्लेबाज किसे मिलेगी इस पिच पर ज्यादा मदद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का इसके स्पोर्ट की और नई वीडियो में। तो दोस्तों क्या है पूरी अपडेट बताएंगे सब कुछ इस वीडियो में, लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि चेन्नई के पिच पर ही चेन्नई को मुंबई के खिलाफ मिले जीत, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल पर पहली बार है तो दोस्तों आईपीएल से जुड़ रही छोटी बड़ी अपडेट देखते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो में बढ़ते आगे और देखते हैं आज क्या पूरी अपडेट। दोस्तों आईपीएल 2023 में शनिवार को चेन्नई सुपर किंग टीम बनाम मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला खेला जाएगा। दोस्तों इस मुकाबले में दोनों टीमें दोपहर 3:30 बजे से चेन्नई के एम चिदम्बरम स्टेडियम में भिड़ेंगी। वहीं दोस्तों चेन्नई के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के हाथ में होगी तो मुंबई की कप्तानी रोहित शर्मा संभालते हुए नजर आएंगे। दोस्तों पिच रिपोर्ट की बात करें तो एम चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई के इस मैदान पर ज्यादातर टीमें टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनना पसंद करती हैं। वहीं बल्लेबाजी करने वाली टीम का लक्ष्य बड़ा रखकर सामने वाली टीम पर दबाव बना सकती है। पिच पर स्पिनर गेंदबाजों को अच्छी मदद मिलने की संभावना, इसलिए बल्लेबाजों को एम चिदम्बरम स्टेडियम की पिच पर स्पिनर से संभल कर खेलना होगा। वहीं दोस्तों मुंबई इंडियंस क्लब चेन्नई सुपर किंग टीम के संभावित प्लेइंग 11 की बात करें तो उसमें ऋतुराज गायकवाड़, डेविन कॉनवे, अंबायती रायडू, शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा, महेंद्र सिंह धोनी, महेश तीक्ष्णा, दीपक चहर, तुषार देशपांडे और मनीषा पत्राना टीम में शामिल होंगे। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या सीएसके की प्लेइंग 11 में अभी और बदलाव होने चाहिए या नहीं? और वहीं दोस्तों इस मैच में मुंबई इंडियंस के संभावित प्लेइंग 11 की बात करें तो उसमें ईशान किशन, रोहित शर्मा, कैमरन ग्रीन, सोमकुमार यादव, तिलक वर्मा, टिम डेविड, निहल वडेरा, पीयूष चावला, कुमार कार्के, अरशद खान और आचार्य टीम में शामिल होंगे। दोस्तों आज की अपडेट में बस इतना ही। इस खबर के बारे में आप अपनी व्यक्तिगत राय मेरे जो कमेंट सेक्शन में लिखे मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। अब तक के लिए नमस्कार।